इतने धृतराष्ट्र जी अंधा हो गए कि विधानसभा चुनाव के बाद डंका की चोट पर कहें कि आजमगढ़ में हमने बीजेपी का खाता नहीं खोलने दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर चल जा आजमगढ़ के चुनाव प्रचार और तू ही वहाँ कमान संभाल लो, आप प्रत्याशी भेजा था धर्मेंद्र यादव जीता के भेजा गैले टाटा फिस हो गई। आजमगढ़ उपचुनाव के बाद से ही ओपी राजभर और अखिलेश यादव के बीच तल्खी देखने को मिल रही है। इस बीच सुभाषपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने राजभर की पार्टी में टूट का दावा किया है। यही नहीं, उन्होंने राजभर के ऊपर अपने परिवार और बेटों को लेकर अंधे होने का आरोप लगाया। लेकिन इन सबके बीच सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने दावा किया आजमगढ़ उपचुनाव में अखिलेश यादव ने राजभर को जिम्मा सौंपा था, लेकिन वो फेल हो गए। तो पुत्र मोह में धृतराष्ट्र इतना अंधा हो गया कि उसको अपने पुत्र के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया, तो वही उसका नतीजा आपको सामने मिला। और सुनिए, इतने धृतराष्ट्र जी अंधा हो गए कि विधानसभा चुनाव के बाद डंका की चोट पर कहें कि आजमगढ़ में हमने बीजेपी का खाता नहीं खोलने दिया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर चल जा आजमगढ़ के चुनाव प्रचार और तू ही वहाँ कमान संभाल लो, आप प्रत्याशी भेजा था धर्मेंद्र यादव जीता के भेजा गैले टाटा फिस हो गई, देख लिए ना। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद ओपी राजभर इस बात का दावा करते रहे हैं कि उन्होंने आजमगढ़ और गाजीपुर में अखिलेश यादव को जबरदस्त जीत दिलाई है, लेकिन शशि प्रताप ने उपचुनाव को लेकर जो बात कही वो राजनीति गर्म करने के लिए काफी है, क्योंकि आजमगढ़ उपचुनाव में हार के बाद राजभर लगातार अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उन पर आजमगढ़ न आने का भी आरोप लगा रहे हैं। क्यों नहीं गए आजमगढ़, सवाल ओम प्रकाश राजभर का, क्यों नहीं गए आजमगढ़? ओम प्रकाश राजभर 12 दिन वहां धूल फांक रहा है, हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रेमचंद प्रजापति को लेके हम वहां धूल फांक रहे हैं, हम अपनी 350 टीम को लेके धूल फांक रहे हैं, और ये लोग बैठ करके एसी में रसमलाई चाप रहे हैं। अपने दम पर नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने, माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था 2012, इनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए 14 हारे 19 हारे 17 हारे 22 हारे भाई इलेक्शन हुआ यो हारे एमएलसी हारे एक को चुनाव बता दें जो जीते हों, मतलब अखिलेश यादव जी अपने दम पे एक भी चुनाव नहीं जीते अभी तक आपके हिसाब से? आप बताइए कहाँ जीते हैं? ये मुख्यमंत्री की बात जो कर रहे हैं, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरातल के नेता हैं। आजमगढ़ उपचुनाव में राजभर और अखिलेश के बीच कोई बात हुई थी या नहीं ये दोनों नेता ही जाने, लेकिन शशि प्रताप ने आरोप जरूर बड़ा लगा दिया है।